भाई ऑलमोस्ट मौत के मुंह से वापस आए हैं। अगर आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है ना, तो इस एयरलाइन में सफ़र करें पूरे टाइम। इसका एसी काम नहीं कर रहा था, इट वाज़ वन ऑफ द वर्स्ट फ्लाइट। तो अभी चल रहे हैं भाई, इमिग्रेशन चेक कर लेते हैं और फिर एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। बोर्ड हो गया हूँ। पीपल आर वेरी नाइस हेयर, वेरी कर्टसियस एंड इनफैक्ट। सो काफ़ी देर की मेहनत के बाद फाइनली मैं टैक्सी में बैठ गया और ये मेरी टैक्सी इस वक्त आ गई है। लोकल टैक्सी मैंने करी है, बिठा देता हूँ यहाँ के, और कोई भी करप्शन नहीं है। लाइक आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जेन्युइन जवाब देंगे। सो जो सबसे दो मैंडेटरी चीज़ें होती हैं, दैट इज़ अ सिम कार्ड एंड करेंसी चेंज, विच इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट हेयर। सो आपको जो जैसे $1 का रेट है वो आपको मिल जाएगा 2500 वियतनामी डोंग, और अगर आप $100 एक्सचेंज करवाते हैं तो वही 25 लाख रुपए के करीब जो लोकल करेंसी है। और अभी मैंने टैक्सी कर ली है, टैक्सी विल बी कॉस्टिंग मी 250 डोंग। तो ये थोड़ा सा कुछ नज़ारा है बाहर का। काफ़ी ट्रैफिक है सिटी पे, अगर आप देखेंगे तो इट्स ए वेरी बिजी स्ट्रीट व्हेन यू आर कम्यूटिंग फ्रॉम एयरपोर्ट टू होटल। करीबन 10 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये, और आधे से पौने घंटे के बीच में आपको कवर कर देगा। काफ़ी रश है, बहुत बिजी ट्रैफिक नज़र आ रहा है इन गुड बिल्डिंग्स। तो ये मेरे होटल की एंट्री है, ये देख लीजिए आप, ये है खुपो वन हुआ खुआ पो, और यहीं पे ऊपर एक ये और होटल है, और ये सामने देखेंगे मेरू गेस्ट हाउस है। देयर इट इज़, सो इट इज़ माई होटल। चलिए मैं थोड़ा सा होटल का टूर दे देता हूँ आपको। यार सबसे वर्स्ट बात ये है कि इस होटल में स्टेयर्स नहीं है, और दूसरा यहाँ का कल्चर ये है कि आपको यहाँ पे चप्पल रिमूव करनी पड़ती है। चप्पल आप यहाँ पे रिमूव करिए और इनकी अपनी क्लीन चप्पल लीजिए, बिकॉज काफ़ी वेट एरिया है ना इस वजह से। और ये कुछ ऐसा होटल है, एंड ही इज़ माई फ्रेंड। व्हाट्स योर नेम? मिस्टर चू इज़ माई फ्रेंड फ्रॉम वियतनाम। सो दिस इज़ द स्टेयर्स। मेरा जो रूम है वो थर्ड फ्लोर पे है, तो यू हैव टू लिटरली क्लाइम दैट स्टेयर्स। ये मेरे होटल का रूम आ गया। तो यार कुछ इस तरीके का होटल मिला है मेरे को, करीबन 1200 रुपये, 380 वियतनामी डोंग। ये छोटा सा बेड है, ये एसी है, ये वॉशरूम है, ऊपर ही शावर लगा हुआ है, यह है। देखिए यहाँ पे टॉयलेटरीज भी दी गई हैं, काफ़ी सारी टॉयलेटरीज हैं, नीट एंड क्लीन। टॉवल्स भी दी हैं, ये एक कबर्ड दिया हुआ है, ये फ्रिज है, और टीवी, और ये, और ये कुछ बाहर का एरिया है, ये बालकनी है। अगर आप देखेंगे बालकनी तो यहाँ से कुछ बाहर का ऐसा व्यू नज़र आता है, ये बालकनी है, यहाँ से कुछ ऐसा व्यू नज़र आता है। और ये जो पूरी स्ट्रीट है, यहाँ पे सिर्फ गेस्ट हाउस है, काफ़ी कॉम्पैक्ट सी स्ट्रीट है, बट अफोर्डेबल गेस्ट हाउस यहाँ पे मिल जाएंगे। कोई व्यू नहीं मिलेगा आपको, बट अगर आप बजट ट्रैवलर हैं, सोलो ट्रैवलर हैं, तो इस स्ट्रीट पे आप होटल ले सकते हैं। मैं एड्रेस डाल दूंगा नीचे। सो ये बालकनी का एरिया है, ये थोड़ा सा बैठने का है, डिसेंट सा रूम है, 1200 से 1500 रुपए के बीच में पड़ेगा। अरे सामने विंडो का व्यू है। फ्लाइट डे वन की शुरुआत हो गई है, बहुत देर सोया मैं कल रात की एक हेक्टिक फ्लाइट के बाद, और इस वक्त मैं जा रहा हूँ कुछ नाइट लाइफ इन्जॉय करने के लिए, लोकल कुजीन और लोकल मार्केट देखने के लिए। तो ये जो वो नैरो सी गली है जिसमें से मैं निकल के जा रहा हूँ इस वक्त, तो पीछे मेरा होटल था। तो ये वो एरिया है जहाँ से मैं अभी अपने गेस्ट हाउस की तरफ जा रहा था, थोड़ा सा रास्ता भूल गया। ये सामने मेरा गेस्ट हाउस है, मेरू गेस्ट हाउस, ये वाला।
ये एंट्रेंस है मेरे होटल का, ये सामने मेरे होटल है। ये कुछ यहाँ की कुछ व्यूज़ हैं, इस तरह की कुछ मार्केट है। ये लोकल मार्केट है, इस वक्त शाम का 4 बज चुके हैं और 4 बजे का कुछ ये एक तरीके का नज़ारा है। मौसम बहुत ही प्लेजेंट है, अभी बारिश हुई है, करीबन 26-27 डिग्री टेम्परेचर है। इस वक्त मैं वियतनाम के मेन स्क्वायर पे पहुंच चुका हूँ और ये मेरे पीछे कुछ मार्केट है अगर आप देख रहे होंगे, और कुछ दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे इस तरीके से ये मेन स्क्वायर है और यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं अगर आप देख रहे होंगे। इस तरीके का कुछ ट्रैफिक है। तो अभी मैं वो इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ, इंडियन रेस्टोरेंट अगर मेरे को मिल जाता तो आई हैव सम फूड, बिकॉज मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है एंड आई एम एब्सोल्युटली हंग्री। और मैं बस सुबह में 7 बजे फ्लाइट से उठ रहा था और उसके बाद सिर्फ मैं सो ही रहा हूँ। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। यार ये देखो कुछ लोकल स्ट्रीट के नज़ारे हैं, और ये देखिए सामने एक थिएटर है अगर आप देख रहे होंगे। और अभी मैं ढूंढ रहा हूँ कुछ, अभी मेरे को यहाँ पे एक डेली मार्ट मिल गया है, फैमिली मार्ट, सो इट मस्ट बी हैविंग अ गुड प्राइस। और मैं देख लेता हूँ इस फैमिली मार्ट के पास कुछ अच्छा सा मिल जाए मेरे को। मैं सुपर मार्ट में आ गया हूँ, सुपर मार्ट में कुछ अगर आप प्राइसेस देखेंगे तो ये कुछ वेजिटेबल है। ये यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट है जिसका दिन के टाइम का नज़ारा है, और अभी से बहुत हैपनिंग हो रही है, लोग इसको ना तैयार कर रहे हैं अभी इवनिंग नाइट के लिए। तो अगर आप देखेंगे इट इज़ वेरी हैपनिंग। ये कुछ इस तरीके का यहाँ का सीन है। देखिए बड़े बड़े बार हैं यहाँ पे, गेमिंग जोन है। तो यार मेरे सामने अभी ये विजिटर सपोर्ट सेंटर है, यहाँ चलते हैं थोड़ा सा इनका दिमाग खा के आते हैं। कल मेरे को जाना है कंबोडिया, तो कंबोडिया से रिलेटेड कुछ जानकारी लेके आते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या बोला। ये मेन अगेन सिटी का स्क्वायर है बिल्कुल, ये देखिए सामने से कुछ ऐसा दिखता है। इधर चलते हैं। तो इस वक्त ये विजिटर सिटी सपोर्ट सेंटर में मैं पहुंच गया। बात करूं तो ये विजिटर इंफॉर्मेशन सपोर्ट सेंटर है और यहाँ पे मैं अभी आ गया हूँ, तो अभी यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं, पता करते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। सो ये कुछ यहाँ पे लैंडमार्क्स बने हुए हैं, यहाँ पे आप जा सकते हैं। अगर ये टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर को अगर आप देख रहे हैं तो सेंटर सिटी स्क्वायर में है, आप यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे पूरा 3D मैप बना हुआ है हो ची मिन्ह सिटी का, ये सारे कार्ड्स हैं और यहाँ पे एक डेडिकेटेड लेडी है जो आपको हर चीज़ आपको बताएगी। अभी सामने पार्क है, बहुत खूबसूरत पार्क है जहाँ पे लोग काफ़ी सारे एक्सरसाइज कर रहे हैं, और यहाँ पे रेंटेड आपकी बाइक्स और साइकिल्स भी मिल सकती हैं। और ये कुछ यहाँ का इस तरीके का ट्रैफिक है। अभी मेरे सामने एक खूबसूरत सा एक टेम्पल टाइप आ गया है, अब मेरे को पता नहीं है कि ये है क्या। और इसी के सामने देखिए कितनी हाई राइज बिल्डिंग है, और ये देखिए खूबसूरत सा चुआ लामते। ये चुआ लामते क्या है, ये कुछ इस रोड का नाम है, और ये चुआ लामते मिल जाए। मैं मोबाइल की शॉप ढूंढ रहा हूँ और मोबाइल की शॉप से मेरे को डेटा केबल लेनी है। और ये यहाँ के कुछ घर देखिए, लोग कैसे नंगे बैठे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना, देर लाफिंग एट मी रोड, नो वाई सॉरी दिस वे, नो रोड। ओके यार भाई थोड़ा सा रास्ता भटक गया हूँ, और यहाँ पे अगर मैं भी देखूँ तो बहुत ही कॉम्पैक्ट गलियों में घर बने हुए हैं। कुछ एक बहुत ज़्यादा एक पुअर टाउन आ गया है जिसमें कि अगर आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे घर हैं, जैसे कि हमारे दिल्ली में भी होते हैं, बहुत मिडिल क्लास एरिया आ गए। और यहाँ पे जगह जगह गली में मार्केट भी है।
लुक एट दिस। एक्सेलेंट एरिया, पीपल आर वेरी फ्रेंडली, दैट्स द बेस्ट पार्ट। यहाँ पे आपको कोई ज़्यादातर स्कैम देखने को नहीं मिलेगा, कोई बुली नहीं करेगा, और अच्छी बात है कि बहुत फ्रेंडली लोग हैं, और फ्रेंडली लोग होने के कारण यहाँ पे कोई भी आपको परेशान नहीं करता है। बहुत अच्छे लोग हैं, मुस्करा के जवाब देते हैं आपको। तो अभी मुझे बाहर निकलना पड़ेगा भाई, थोड़े से गलत एरिया में घुस गया हूँ, बट यार ट्रैफिक इज रियली क्रेजी हेयर, ट्रैफिक इज रियली क्रेजी हेयर, पीपल आर ड्राइविंग लाइक एनीथिंग। मुझे अपने इंडिया के ट्रैफिक की याद आ गया, तो और मेरे को इंडिया से भी ज़्यादा क्रेजी लग रहा है। पर मैंने अभी तक कोई झगड़ा या फिर कोई कल्यूजन नहीं देखा है, कोई टक्कर नहीं देखी है। लोग बड़े सेंसिबल हैं, अगर आमने सामने कोई गाड़ी आ भी जाती है तो चुपचाप हंस के हटा लेते हैं। तो बहुत ही क्रेजी काइंड ऑफ ट्रैफिक है यार, टू व्हीलर्स बहुत है। मतलब इंडिया अगर लोगों को हटा दिया जाए और थोड़े से माहौल को हटा दिया जाए तो कंप्लीट इंडियन कल्चर ही नज़र आता है। और ये देखिए एक बहुत ही खूबसूरत कैफे है, बार है। ये एक मेन स्क्वायर है यहाँ का, ये देखिए मेरे को काफ़ी सुंदर लग रहा है, और कितना बिजी स्क्वायर है यार। ये देखिए सेम सर्कल है, और देखिए टू व्हीलर्स देखिए यहाँ पे, माय गॉड। और मेरे को इस तरफ जाना है, इस तरफ मेरे होटल की स्ट्रीट है। ये पापा किचन रेस्टोरेंट में आ गया हूँ यार, यहाँ का कुछ मेन्यू इस तरीके से अगर आप देखेंगे, पापा जी किचन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को अगर आप देखेंगे तो। और ये कुछ यहाँ के एम्बियंस हैं, पापा किचन, ये इसका कुछ किचन है, ये इस तरीके से कुछ इसके प्राइसेस हैं। प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है, ये सारा वेजिटेरियन सेक्शन है। अगर आप इसमें देखेंगे तो मिक्स वेजिटेबल 99,000, वियतनामी डोंकी है अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपये की। प्लेन नान 50 यानी हो गया 150 रुपये, 150 रुपये का नान है। बटर नान 55, वही 150 रुपये का। ये भाई एक चाय मंगवा ली है मैंने, इंडियन टी 30, वियतनामी डोंकी पड़ी है भाई। ये मेरा खाना आ गया है, तो ये प्लेन नान है, और ये दाल तड़का है, और ये सलाद है। तो इसको एंजॉय करते हैं और खाते हैं। करीबन 500 रुपये का ये खाना मुझे पड़ा है। यार ध्यान से देखो, देखो ये सारे है ना पे फ्लैट्स हैं, ये देखिए फ्लैट बने हुए हैं, और देखिए यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। और साथ ही साथ देखिए बालकनी कोई नहीं है, सब कवर्डेड है, बिकॉज़ यहाँ पे बारिश और ह्यूमिडिटी काफ़ी रहती है। टेम्परेचर 25 से 32 के बीच में रहता है। और ये देखिए यहाँ पे कूलर भी, एसी लगा हुआ है, और इस तरीके की पूरी ये एक रेजिडेंट कॉम्प्लेक्स है, उसको नीचे मार्केट है। कुछ करेंसी दिखा देता हूँ, ये देखो ये 10 का नोट है। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे एक छोटा सा डॉट है, तो इसका मतलब ये 10,000 वियतनामी डोंग है। और इसका अगर बैक साइड देखेंगे तो ये है, ये 20,000 वियतनामी डोंग है। और ये देखिए ये होचिन मिन है यहाँ के नेता, उनकी फ़ोटो है। करेंसी का डिनोमिनेशन बहुत बड़े हैं, और ये इसकी बैक साइड है। और यहाँ बैक साइड पे कुछ होचिन मिन का कुछ यहाँ पे बना हुआ है। और ये देखिए 1,00,000 रुपीज़ का इनका नोट है, वियतनामी डोंग। और ये देखिए 2,00,000 रुपीज़ का है, ये 2,00,000 रुपीज़ का है। और ये है सबसे बड़ा डिनोमिनेशन, विच इज़ अ 5,00,000 रुपीज़ नोट, 50 वियतनामी डोंग। और ये इसका पीछे का हिस्सा है। तो ये सारी करेंसी मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। ये भाई मैंने एक फ्रिज का मैग्नेट ले लिया है, ये 30 डोंग का है, 30 डोंग का ये फ्रिज का मैग्नेट है, मेरे को बहुत ही खूबसूरत लगा है, 30 डोंग का फ्रिज का मैग्नेट।
और ये मैंने यहाँ के टूरिस्ट सेंटर से लिया था। ये एक 3D मैप है पूरी हो ची मिन्ह सिटी का। अगर आप देखेंगे ये हो ची मिन्ह सिटी का पूरा एक